हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर मनोरंजन भारती बिहार पुलिस से। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या रहेगी। सर, रिया चक्रवर्ती पे जो FIR रजिस्टर हुआ है उसमें हमारी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है? हम लोग यहाँ की पुलिस के सहायता से पहले जो एविडेंस कलेक्ट करेंगे फिर आगे काम करेंगे। सर, अभी यहाँ की पुलिस सहायता कर रही है, बातचीत हुई है? कर रही है, डेफिनेटली कर रही है। सर, जो कंप्लेंट हुई है उसमें जो 15 करोड़ साइफन ऑफ करने का दावा किया गया है उसके बारे में कैसे आप लोग प्रोसीड करेंगे, क्या एविडेंस कलेक्ट? जो एविडेंस जो होता है रिगार्डिंग जो बैंक अकाउंट वगैरह है उस पर काम करेंगे। राइट, सब कुछ लीगली होगा और बिल्कुल ग्राउंड बेस पर होगा और फिर जो एविडेंस मिलेगा फिर आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, एक चीज और जानना चाहेंगे कि क्या हमारे साथ क्या हमारे जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसमें किन किन पॉइंट्स पे हम काम कर रहे हैं? जो उनके फादर ने, क्योंकि बहुत ओल्ड एज के आदमी है, विक्टिम है, उनका जो भी आरोप है, उनका जो भी एलिगेशन है, हर पॉइंट पर हम लोग करेंगे, थॉरली करेंगे और लीगली करेंगे, बढ़िया से करेंगे। सर, एक चीज और जानना चाहेंगे इसमें कि क्या रिया चक्रवर्ती को अभी अरेस्ट भी कर सकते हैं आप लोग? नहीं, अरेस्टिंग तो हम लोग एविडेंस होने के बाद होता है सब कुछ। अरेस्टिंग किसी की अभी ऐसा कुछ नहीं है। पहले हम लोग जो यहाँ आए हैं, एविडेंस हमारे पास क्या क्या हो सकता है जो उन्होंने आरोप लगाया है, फिर आगे कार्रवाई हम लोग जैसे होता है। एक चीज और जानना चाहेंगे सर कि क्या इसमें आगे की जो प्रक्रिया है इसमें मुंबई पुलिस ने जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं वो स्टेटमेंट भी हम उनसे मांगेंगे? हाँ जी, आवश्यकता होगी ना इन्वेस्टिगेशन में, जो भी हमें जहाँ से भी हमें एविडेंस मिल सकता है, जहाँ से मिलेगा हम लोग उसको जमा करने का प्रयास करेंगे लीगली। थैंक यू। ये थे इंस्पेक्टर मनोरंजन भारती बिहार पुलिस से, जो बिहार पुलिस की टीम रिया चक्रवर्ती मामले में मुंबई आई हुई है। वो यहाँ पर अभी DCP क्राइम से मिलने का इंतजार कर रहे हैं, DCP अकबर पठान से मिलने का इंतजार कर रहे हैं और उनसे आगे की मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि मुंबई पुलिस से जो स्टेटमेंट मुंबई पुलिस ने रिकॉर्ड किए हैं वो भी शेयर किए जाएं, वो भी मांगे जाएं। प्राइमरी फोकस यही रहेगा कि एविडेंस कलेक्ट किया जाए और उसके बाद आगे का लीगल कोर्स बिहार की पुलिस टीम तय करेगी।